दर्शकों मैं बबीता थोड़ा सारे का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम हेल्थ प्लस के। दर्शकों आज आप जिस बीमारी के बारे गल करांगे बहुत ही भयानक बहुत ही अजीब किस्म की वो बीमारी है। जी हाँ मैं गल कर रही हूँ पायल्स यानी बवासीर की। बवासीर है कि क्यों होंगी है कि लक्षण ने ये और इस तो छुटकारा किमें पाया जा सकता है यही सब जानने के लिए अपने नाल आज स्टूडियो में मौजूद ने डॉक्टर हतेंद्र सूरी जी। आओ उन्हां दे नाल आपां गलबात करदे हां जानदे हां कि किवें इस बीमारी तो छुटकारा पाया जा सकता है। आओ आपां सारे उन्हां दा स्वागत करदे हां। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे स्टूडियो दे विच। थैंक यू डॉक्टर साहब। सब तो पहला मैं ये जानना चाहूंगी कि पायल्स जिन्हों की बवासीर कहते हैं किवें हुंदी है केड़ी बीमारी है। बवासीर एक आम बीमारी है जो पहला तो ये 40 साल तो उपर की उम्र ज़्यादा होंगी सी पर हूँ हर उम्र के अंदर ये बीमारी आम पाई जाती है। ये जिहड़ा मेन इहदा कारण है वह खान पान है। खान पान दे विच फास्ट फूड ज़्यादा लेना नॉन वैजीटेरियन डाइट शराब या अल्कोहल ज़्यादा लेना लीवर की कोई बीमारी या ये एक जेनेटिक डिजीज है पेरेंट्स तो अगे बच्चों के विच ट्रांसमिट हो जाती है। फिर जिन्हें लोगों का सीडेंटरी पोस्चर है मतलब सारा दिन बैठे रहना एक्सरसाइज कोई नहीं है और डाइट बहुत हैवी है उन्हें आम पाई जाती है। डॉक्टर साहब जिम्मे कारण दसे ने कि बड़े ही अजीब कारण तुम दस रहे हो जिमें मैं सुनिया है कि लेडीज़ के 60% लोग इदा के ने जिन्हों के बीमारी पाई जाती है और उन्होंने ज़्यादा लेडीज़ ने कि यह सही है कि लेडीज़ के ज़्यादा बीमारी यह पाई जाती है। देखो ऐसा होंगे बवासीर के आम तौर पर 3 तरह की बीमारियां होंगे बवासीर पायल्स फिशर ते फिस्टुला। लेडीज़ दे विच सब तो कॉमन जिहड़ी डिजीज़ है वो फिशर हैगी है जिहड़ी प्रैगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के टाइम आम तौर पर लेडीज़ दे विच प्रॉब्लम आ जाती है पर जे उहदी प्रॉपर डाइट प्रॉपर मेडिसिन वगैरह की जाए तो मैक्सिमम लेडीज़ इस डिजीज़ तो विदाउट एनी सर्जरी रिकवर कर जाती हैं और जिहड़े जिन्हां नूं प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता उन्हां दे विच फिर उहदा छोटा जिहा ऑपरेशन करना पैंदा है। जी बिल्कुल। और इस बीमारी दे लक्षण की ने किवें पता चलदा है कि सानूं बवासीर दी शुरुआत हो रही है। देखो टॉयलेट दे टाइम पेशेंट नूं दर्द हुंदा है जलन हुंदी है खून आन लगदा है मौके बाहर आन लग जांदे हैं ऐसा महसूस हुंदा है टॉयलेट जाण तों बाद भी जिवें हैवीनैस है जी। और कुछ जिन्हां दी बहुत बीमारी वध जांदी है उहदे विच मास बाहर आ जाता है फिर उन्होंने हाथ ना पुश करके अंदर करना पैंदा जी। एनजी के दे बवासीर दे नाल रिलेटेड एक डिजीज है फिस्चुला। फिस्चुला यानी भगंदर जिन्हों आम भाषा च कहिंदे हैं इन्हों बहुत नामुराद बीमारी कहिंदे क्योंकि फिस्चुला दे जिहड़े पुराने टाइम तो मन्निया जांदा कि फिस्चुला जिहड़ा हैगा छेती छेती ठीक नहीं होंदा पर हुण जिहड़ी नवी टेक्निक्स हैं उहदे विच फिस्चुला जल्दी ठीक हो जाता है। बाकी भगंदर दे जिहड़े मेन जिहड़े लक्षण है वह ये है भी टॉयलेट वाली जगह दे नाल एक फिंसी हो जाती है जिदे चो पस आनी शुरू हो जाती है। ओके तो वह पस आने दे नाल पेशेंट नूं बुखार रहना शुरू हो जाता है तकलीफ रहनी शुरू हो जाती है भारीपन महसूस होने लग जाता है तो ये सारे फिस्चुला दे मेन लक्षण हैं। जी जिवें कि डॉक्टर साहब आपां देखदे हां कि जिन्हां नूं ये प्रॉब्लम हुंदी है और बहुत सारे पेशेंट इदां दे ने जिहड़े कि ज़्यादा केयर नहीं करते शायद वो शर्मांदे ने या डरदे ने कि डॉक्टर को असीं नहीं जावांगे अपनी बीमारी दस्सांगे या छोटी मोटी मेडिसिन मेडिकल स्टोर तो लैके और यूज़ कर लैंदे आ कि ये उन्हां दी बीमारी छुपाउणा गलत है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत परफेक्ट है और मैक्सिमम लोगों नूं ये गल समझाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है जी। बवासीर दे फैलन दे विच दो मेन कारण है एक तो बवासीर दे मरीजों नूं ऑपरेशन तो एक बहुत डर होंदा उन्होंने मन च होंदा कि अगर ऑपरेशन कराया तो पता नहीं किड्डी वड्डी प्रॉब्लम आ जाएगी किन्नी कु दर्द चो निकलना पेगा। दूसरे लोग ना इच्छी जग दे मारे एक दूसरे ना गल नहीं करते कि मैनूं बवासीर दी दिक्कत है जिदे करके बीमारी वधी जा रही है। बिल्कुल गलत है जिवें बाकी बीमारियां उवें बवासीर एक बीमारी है और अगर इहदा प्रॉपर इलाज किया जाए तो इन टाइम सारे पेशेंट विद मेडिसिन ही ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो तुहानूं अपनी बीमारी का सब तो पहला डायग्नोसिस सब तो ज़्यादा जरूरी है डायग्नोस प्रॉपर कराना चाहिए और डायग्नोस होने तो बाद तुहानूं उहदा प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। कैमिस्टां तो तुहानूं अपने आप लैके दवाई नहीं खानी चाहिए क्योंकि एक चीज़ नूं कदे नहीं भुलना चाहिए कि बवासीर दे कुछ लक्षण कैंसर दे नाल मिलदे हैं। ये ना होए कि तुसी बवासीर समझ के इहनूं इगनोर करी जाओ और अंदर कैंसर तुहाडे पनपदा रहे और फैलदा रहे। जे तुसी डायग्नोस करवा लेंदे हो चेकअप करा लेंदे हो तो तुसी इस बीमारी तो छुटकारा पा सकदे हो और सही रस्ते ते तुहाडा इलाज शुरू हो सकदा है। डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन की गल की जाए कि ऑपरेशन करवाना लोग बहुत डरते हैं कि ऑपरेशन नहीं असं करवाना चाहते दवाई नहीं सानू आराम आ जाए कि ऑपरेशन करवाना जरूरी है अगर वो करवाते हैं तो कितना का डर उन्होंने मन च रहा है। देखो आम तौर पर लोग ऑपरेशन के डर के मारे
अपना इलाज नहीं कराते। बेसिकली देखो पुराने जमाने च टेक्नीक्स होर सीगियां, हुण जिहड़ियां टेक्नीक्स हैं बहुत रिफाइन हो चुकी हैं। हुण जिहड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, THD है जिहनूं डॉपलर कहिंदे हैं, या लेजर है, या इनफ्रारेड कोगुलेशन है, इन्नियां अच्छियां टेक्नोलॉजी हैं भी तुसीं अज इलाज करा के अज ही घर वापस जा सकते हो और अज तों ही अपना काम रूटीन च तुसीं शुरू कर सकते हो, किसे किस्म दी कोई परेशानी नहीं आएगी तुहानूं। जी बिल्कुल सर, सब की जानते जानते सानूं मैसेज देना चाहोगे तुसीं? आम तौर पर बीमारी के वधन के दो ही मेन कारण है, एक ऑपरेशन का डर तो दूसरे झिझक। तो तुम किसी भी बीमारी जो छुपाओ तो वध ही जाएगी, अंदर अंदर वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे जाएंगी। तो तुम टाइम सिर जिमें तो कोई भी लक्षण जिमें कि खून आए, दर्द होए, या मौके बाहर आने, या कुछ भी एबनॉर्मल सिमटम दिखन, तो तुम अपने डॉक्टर चैकअप कराओ और चैकअप तो बाद प्रॉपर इलाज कराओ, फिर तो लाइफ लोंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब तुसी सानू अपना कीमती समा दिता, इन्नी वधिया सानू गल्लां दसियां, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो जी इस दे नाल ही मैनू इजाजत दिओ, सत श्री अकाल।